तो देखिए आपने कि किस तरीके से जो पूरा एक नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद भी इसराइल का ऑपरेशन जारी है, हमले रुक नहीं रहे हैं, लगातार नॉनस्टॉप हमले किए जा रहे हैं। चौबीस घंटे 300 मिसाइल और 400 ठिकाने तबाह। ऑपरेशन के 60 दिन हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म। आईडीएफ का न्यू ऑर्डर, लेबनान से ईरान तक डर। हसन नसरल्ला की मौत की खबर से मिडिल ईस्ट में हड़कंप है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के खात्मे की प्लानिंग कोई एक या दो दिन में की गई थी, बल्कि इसराइल ने स्टेप बाय स्टेप हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। 30 जुलाई 2024 वो तारीख जब इसराइल ने पिन पॉइंट हमले में हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे सीनियर लीडर फुआद शुकर को मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद तो जैसे इसराइल ने घर में घुसकर मारने की रफ्तार ही बढ़ा दी और दायरा भी, क्योंकि अगले दिन ईरान में मौजूद हमास का मुखिया इस्माइल हानिये खाक में मिल गया। पिछले 2 महीने में हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। आईडीएफ की ओर से जारी की गई इस तस्वीर पर गौर कीजिए। इस तस्वीर में हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के चेहरे हैं और ये सभी इसराइल के हमले में ढेर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला, रादवान फोर्स का चीफ कमांडर इब्राहिम अकेल, स्ट्रेटजनिक यूनिट का मुखिया फुआद शुकर, अली करकी, रादवान फोर्स का विशाम अल्तावल समेत हिजबुल्लाह के लीडरशिप में शामिल 18 चेहरे मौत की आग में दफन हो चुके हैं। अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप में सिर्फ नाम बाकी है, अबू अली रिदा, जो जिंदा है या मर गया आईडीएफ ने कोई पुष्टि नहीं की है। इसराइल ने पिछले 2 महीनों में अपने दुश्मनों को खाक में मिलाने के लिए नॉनस्टॉप कार्रवाई की है। 17 सितंबर को लेबनान में पेजर और 18 सितंबर को वॉकी टॉकी में हुए विस्फोट को भी इसराइल की प्लानिंग से जोड़कर ही देखा जा रहा है। 17 सितंबर को पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद पेजर में विस्फोट हुए, फिर 18 सितंबर को वॉकी टॉकी बीप बीप की आवाज के साथ फटने लगे। सोलर यूनिट और दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस में भी विस्फोट की खबर आई। बताया जा रहा है कि इन विस्फोटों ने हिजबुल्लाह के कमांडर और लड़ाकों को कंफ्यूज कर दिया है। कैमरे पर आकर धमकी दे रहा हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरल्लाह भी समझ नहीं पाया कि इसराइल का अगला प्लान क्या है। दरअसल इसराइल ने हिजबुल्लाह को समझने का वक्त ही नहीं दिया। 18 सितंबर को वॉकी टॉकी सेट्स और दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट के अगले ही दिन इसराइल ने आसमान से मोर्चा खोल दिया। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।